ये राशि पान मसाला वाला, ये वाला राजेश राजेश है ये राजेश मीट मसाला। अच्छा खुशी ने ऐसी जगह खड़ी करी है, पीछे पुलिस है, मुझे लग रहा है चालान कट गया हमारी स्कूटी का। टो हो गई क्या खुशी को, स्कूटी टो करा दी मैंने तो कहा था यहाँ मत पड़ा कर। देखा एक बार में अधिकतम 4500 निकाल सकते हैं आप। वेलकम बैक टू माई चैनल, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो, मैं अभी बहुत ही बढ़िया हूँ। तो अभी मैं और खुशी जा रहे हैं पतंग लेने के लिए, क्योंकि हमें कल मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाना है। तो चलते हैं अभी पतंग लेने के लिए। वैसे ये पहली बार मैं गोरखपुर में पतंग खरीद के उड़ा रही हूँ, मतलब जबलपुर मैंने एक बार उड़ाया था, मेरी पतंग उड़ी नहीं थी। तो यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट करके देख ही लेते हैं। सो गाइज, विथ एवरी सिंपल ड्रेस सिस्टर देयर इज एन ओवर ड्रेस सिस्टर। खुशी ने ओवर ड्रेस कर लिया खुद को चौराहे पे जाने के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज खुशी, मतलब एवरीथिंग इज पिंक पिंक विथ हर। आप लोगों को शूज दिखाती हूँ, मेरे पापा क्या आई डोंट नो मुझे फिट इन हो रहे हैं, मैं यहाँ से वहाँ तक वॉक करके दिखाऊंगी और आप लोगों ने बताना है कौन सा जूता ज्यादा अच्छा है। ऐसे खैर बता दो तुम लोग पाओ नहीं। पलट गया मेरा कैमरा। तो खुशी कह रही है कि व्हाइट वाले ज्यादा अच्छे लग रहे हैं और ब्लू वाले नहीं, पर मुझे लगता है कि अगर कोई बहुत सेक्सी था तो वो थे ये वाले, लेकिन फिर ठीक है। इससे पहले पापा आ जाए, ये जूते मुझे सही सलामत घर पे भी पहुंचाने हैं, क्योंकि ये मेरे नहीं, ये पापा के जूते हैं। अगर वो बहुत तेज चली तो क्या लगता है, पैसे बाहर फेंका देंगे ये? यार ये बहुत ज्यादा यहाँ से खिंच गया यार। खुशी देख के लग रहे हैं पीछे से पापा के जूते है, तुम्हें लग रहा ना? दीदी तो आपको अंदर करके बहुत गंदा लग रहा है, मुझे सेक्सी लग रहा है। देखिए देखा, हो सकता है जो खुशी के हिसाब से गंदा हो बाहर ट्रेंड हो, और लग रहा है यार ट्रेंड में सेक्सी लग रहा है। यह है मेरी आज की OOTD, सेक्सी तो लग रहा है। खुशी कह रही है गंदा लग रहा है, गंदा लग रहा है, लेकिन मुझे सेक्सी लग रहा है। अब इन तुम लोगों ने नहीं देखा ऐसा ड्रेसेस, वैसे भी मुझे चौराहे पे जाना। तो हम लोग निकल रहे हैं और देखते हैं मतलब पतंग कितने में मिलती है। मुझे तो लगता है 20-30 रुपये में पतंग तो मिल ही जानी चाहिए। तो फिर अभी स्कूटी निकालते हैं फिर चलते हैं। बार भजन चल रहा है और ये लोग चिल्ला भी रहे तो आपको कोई आवाज नहीं आ रही। ब्राउनी बार बार भाग के पंडाल में चली जा रही है बाबूजी के पास, और अभी अंदर किया था चाची ने उसको बाहर कर दिया। क्या एक गंदी सी शक्ल हो गई है, मतलब कितने दूर आ गए मैं। अबे बच्चे बाहर आ गए, बच्चों को अंदर कर। तो यार हम लोग कहीं भी जाते हैं तो पहले हमें कुत्तों का ध्यान रखना होता है कि वो बाहर ना जाए। वो देखो मेरी मम्मी ऊपर, अरे बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, लोग उतरेंगे कैसे? तो फैमिली अब हम लोग जा रहे हैं। चाची निकाली है, हमें नहीं पता। ATM उधर। खुशी दीदी जा रही है अब अपने ATM से पैसे निकालने। मैं खुशी से पूछ रही थी अगर वो चौराहे पे कंफर्टेबल हो गई हो व्लॉग बनाते बनाते, पर वो नहीं हुई है। खैर मैं भी नहीं हुई हूँ, लेकिन अब आदत हो गई है। अब मतलब जरा भी रहमत नहीं है, बंद कर दिया दरवाजा। अब तो आदत सी है मुझको व्लॉगिंग करने। इन्होंने पंखा दोबारा नहीं बदला, ऊपर से बंद कर दिया इन्होंने पंखा। यहाँ पे वेंटिलेशन कैसे होगा बताओ? ये पंखा भी बंद कर दिया, वेंटिलेशन कैसे होएगा? मैं खुशी का पिन सबको बता दूं। देखा एक बार में अधिकतम 4500 निकाल सकते हैं आप। फैमिली ये ATM जरा भी साफ नहीं है, इसमें जगह जगह पे जाले लगे हुए हैं, कुछ दिन में ये मकड़ियों से भर जाएगा और पैसों की जगह बस मकड़ियां दिखेंगी। ये देखिए इतनी सारी मकड़ियां हैं यहाँ पे, स्पाइडरमैन का घर हो गया है ये। चल स्पाइडर्स, सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, खास करके लड़के। यार अब मुझे शर्म आ रही है, मेरा कॉन्फिडेंस मर गया मेरा कॉन्फिडेंस। जरा कुछ कैमरा पकड़ना 2 मिनट के लिए, मेरे को अपना कॉन्फिडेंस जागरूक करना है वापस से। कर फिर व्लॉगिंग, ये 2 शब्द बोल खाली। क्या बोलूँ, बस यही 2 शब्द। मत जाओ ठेला मार देगा, सब लोग देख रहे हैं। इट्स ओके, कोई बात नहीं, नया है ऐसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। मैं लोगों को दिखा दूँ क्या कि व्लॉग बनाते बनाते महिला हुई गायब। पतंग दिख रही है गूगल पे सर्च कर। सुबह सुबह बाजार की तरफ निकल रहे हैं, सुबह पहले सुबह बाजार चलते हैं, वहाँ नहीं मिलेगा तो पूछ लेंगे वहाँ किसी से पतंग कहाँ मिलती है। ये गाड़ी बीच में ही हो जा रही है, पीछे से अपने पास आ रही है। ये गाड़ी बहुत कबाड़ है सुधांशु की, बहुत ज्यादा ये बीच बीच में ऑफ हो जाती है, हाईवे मेन हाईवे पे ऑफ हो जाती है ये। कोई यार मकर संक्रांति और कहीं भी पतंग ही नहीं लटकी यहाँ पे, किसी ने पतंग बेची ही नहीं अभी तक।
पहले देखा था तो कितना छोटा था, हमारी नजरों के सामने देखते देखते कितना बड़ा हो गया है। अभी भी कहीं पतंग नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ मिल जानी चाहिए, यहाँ हर चीज मिल जाती है त्योहार की। पर पतंग नहीं उड़ाता क्या गोरखपुर में? फैमिली मुझे एक ही शॉप दिखी है जहाँ पे पतंग टंगा हुआ है, सिर्फ एक शॉप। अंदर चल के देख ले या बाहर से ही ले लें? देखिए तो पहले हम अंदर जाके देखेंगे, फिर हम बाहर से पतंग। तो वहाँ पे उस जगह एक शॉप जो हमें दिखी है, बट हम अंदर जाके भी देख लेंगे एक बार। और मुझे यहीं से दिख रहा है कि अंदर पतंग लगी नहीं है कहीं पर भी, पर फिर भी चेक कर लेते हैं। तो आगे मुझे एक दिख रही है दुकान, शायद उसमें वो पतंग, वो आगे वाली शॉप। ओ हाँ, वहाँ पे काइट्स लगी हुई हैं, खुशी को दिख गया। ओ यस बिल्कुल, वी लाइक आर मेहनत पेड ऑफ। एक बहुत ही ब्यूटीफुल पतंग की शॉप लगी हुई है, कहीं नहीं मिल रही है गोरखपुर में पतंग, कहीं नहीं, यहाँ पर नहीं लगी हुई है। ये बच्चों के लिए है क्या? बड़ों के लिए नहीं है कुछ भी? दीदी गई नहीं है फैमिली में रहना सेटिस्फाई हो गया। 10 और 15 की पतंगे हैं यहाँ पे। कौन सी है? सीरियसली खुश? अरे वो वाली कितनी है, वो और वाइट, ये 30 की है। भाई औरतें फट नहीं ना जाएगी। देखो यार, किसी ने पतंग की शॉप नहीं देखी जिंदगी में कभी गोरखपुर। ये पेपर वाली कितनी की है? ये 5 की है। ये तुमने बनाई है? वो देखना, वो पिंक, वो पर्पल और ऑरेंज में ना मुझे। बाबू पर्पल और ऑरेंज वाली कितने की है? वो पर्पल और ऑरेंज वाली 10 रुपए का। मांझा फ्री नहीं है? अरे यार, मुझे तो लगा था 20 रुपए में काम हो जाएगा मेरा। अरे वो दे दो, यूट्यूब पे वीडियो आएगी। सच्ची में जी विश्वास मान नहीं। सबसे चीप भी खरीदते, सबसे महंगी भी खरीदते, कल उड़ा के बताएंगे कौन सी अच्छी लगी, चीप की महंगी है। ये उड़ जाएगी ना? 100 की पतंग खरीदोगी? 50 की तू पतंग खरीद, 50 की मैं खरीदूंगी, 100 की पतंग हो जाएगी, क्योंकि वो 30 की है। व्हाइट ले लेते हैं 150 में, हम पतंग और मांझा और एक ये ले लेते हैं, और एक ये ले लेते हैं, चारों लाइन से एक 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 ले लेते हैं। अच्छा, तूने कभी मांझा से उड़ाया है पतंग? तो कौन सा वाला बेटर होता है? अच्छा मांझा कौन सा है? मांझा से क्या था धागा? मांझा और धागा में क्या फर्क होता है? ये तो धागे जैसा नहीं लग रहा है जो हम लोग धागा बांध के पतंग उड़ाते हैं। ये मांझा तेरा मेरी पतंग कौन है, वो कौन है? एक ये छोटी वाली ले। और ये तो मसाले से बनी हुई है, में राजेश मसाला है। राजेश मीट मसाला उड़ा दें क्या? राष्ट्रीय पान मसाला, ये राष्ट्रीय पान मसाला वाला, ये वाला राजेश। हाँ राजेश है ये, राजेश मीट मसाला। अच्छा मीट मसाला ये। कितनी पतंग हो गई? 5 से 6 पतंग खरीद डाली है, उड़ानी एक भी नहीं, जल्दी ला के दे। क्यों रहे हो? वो लेट गया जमीन पे। हाय कर लो यार, कितना हुआ? चरकी सहित दो। चरकी सहित कितने की है? चरकी सहित 250 रुपए का एक है। और वो वाले मांझे 20 रुपए का एक है। हाँ तो वो ले लेना, वो ज्यादा बेटर लग रहा है। हाँ दो दे दो। कितना कितना चाहिए होते, कितने अमाउंट में धागा चाहिए? कितना लगाओगे? काउंट कर दो। ठीक है तो तो भाई ये तो फिर ले पड़ेगी हमसे। एक भी नहीं ली हमने, 5 पतंगे हैं यार। हमने ले तो लिया, हमने इतनी सारी पतंगे ली, आर यू श्योर हम इसे एक भी उड़ा पाएंगे? मैं पता है इतनी सारी क्यों लियो? हाँ आधी से फट फूट जाएगी। 100 रुपए का पतंग लिया हमने, उड़नी हमसे एक भी नहीं है। उड़ी उड़ी जाए, वो बच्चा कैसे नौटंकी कर रहा था ऐसे पीछे, छुक छुक के छुक छुक के। यहाँ से चलिए, यहाँ नहीं, वहाँ गाड़ी हमारी वहाँ खड़ी है, तो वहाँ क्यों जाएंगे? नहीं यहाँ से खड़ी है, नहीं यहाँ खड़ी है हमारी गाड़ी, लगता है ना उड़ा लेंगे इसको। भाई मैंने तो जिंदगी में कभी पतंग नहीं उड़ाई, मेरे को नहीं पता, मैं गारंटी नहीं ले सकती, मैंने भी नहीं उड़ाई है। कोई बात नहीं, बाजू जी को दे देंगे, बाजू जी को आती है शायद थोड़ी बहुत, हिमांशुरी को आती है, सुधांशु को आती थी जब हम लोग वहाँ पे थे। हमारे यहाँ पे तो अखिल और मेरा भाई और ये सब पतंग उड़ाते थे, अखिल वकील को पतंग उड़ाने आती थी, मैं तो एकदम गधी थी, मैं तो जबलपुर में छत पे खड़े देखती थी सब लोगों को पतंग उड़ाते हुए। वो रेशो भी लेके आया था पतंग। हाय मेरा जबलपुर, ओ गॉड स्कैरी इंटू, हमें याद नहीं, चलान तो नहीं कट गया स्कूटी का? खुशी ने ऐसी जगह खड़ी करी है, पीछे पुलिस है, मुझे लग रहा है चलान कट गया हमारी स्कूटी का। उट गई क्या, टो गई क्या? तो गई। स्कूटी का है
स्कूटी टो हो गई क्या? खुशी तूने स्कूटी टो करा दी? मैंने तो कहा था यहाँ मत खड़ा कर। यार मुझे लगा स्कूटी टो हो गई, मैं तो जान निकल गई थी। मैंने कहा स्कूटी टो हो गई, टो हो गई, टो हो गई, टो हो गई। यहाँ रखी है, हमने पतंग खरीद ही लिया, तब हम लोग जा रहे हैं घर। बिल्ली जैसी पतंग उड़ रही है भाई। My kite is flying high in the sky। यहाँ से मोड़ लेना, यहाँ से भी घर जा सकते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर अपनी पतंग लेके। वो देखो बच्चे कैसे देख रहे हैं मेरी ब्लॉग को, बच्चे मेरी पतंग देख रहे हैं या ब्लॉग, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो सोच रहे दीदी कितनी लकी है, इतनी सारी पतंग चुका रही है ना, ये मैं कबाड़ में डाल दूंगी, ये हर दो मिनट में ऑफ हो जा रही है। जहाँ भी थोड़ा सा रोकोगी ये गाड़ी ऑफ हो जाएगी अपना। यहाँ से कहाँ से जा रही है? बहुत सही, ये दोबारा ऑफ हो गई गाड़ी, क्या ही गाड़ी। खुशी राय द रेस्क्यू, जो भी मैंने पतंग पकड़ रखी है। ओह भाई चौथी बार ऑफ हुई है ये, क्या ही गाड़ी है ये। निकलेंगे कहाँ यहाँ से जहाँ से जा रहे हैं? जो पांचवी बार जहाँ से भी मोड़ रहे वही ऑफ हो जा रही है, इतनी खराब है ये। ओह भाई तो कहाँ बस हुई है यहाँ, इन द मिडल ऑफ द नाली। सातवीं बार ऑफ हुई है ये मिनट की गाड़ी। ओह गॉड, ओह गॉड, ओह माय गुड गॉड सेव मी। तो निकल गए हम लोग पता नहीं कहाँ, मुझे कहाँ ले गई। उड़ रही है भाई ये पतंग, फट जाएगी मुझे लग रहा है। धीरे चला, धीरे चलाओगे तो बंद हो जाएगी। देख रही है क्या कर रही है गाड़ी, एक हाथ तो उड़ तो नहीं गया मेरे हाथ से। पहुंच रही है, पहुंच रही है, पहुंच रही है, गाड़ी पहुंच रही है। मेकिंग आर ओन पतंग, भाई पतंग उड़ रहा है भाई, पतंग उड़ गई थी हमारी। आफ्टर एक दो लकड़ियां भी टूट गई लग रहा है, गई खुशी पतंग, गई पतंग थोड़ी हवा में उड़ गई थी हमारी, लॉन्च हो गई थी। क्या है यार ये, क्या गाड़ी है यार, क्या गाड़ी है यार, पूरा मुझे लग रहा है टूट गया इसके डंडे। मेरा हाथ भी उड़ रहा था इसके साथ। गाइस हम लोग अभी पतंग बनाने का ट्राई करेंगे इधर। ए वो कौन था जिसने बलून के साथ कुत्ते उड़ा दिए थे ऊपर? हाँ, उस पे केस भी हुआ था। का क्या नाम था उसका? पता नहीं, बहुत फेमस यूट्यूबर था जो भी था। कुछ गौतम पता नहीं, कुछ गौरव ऐसे करके था, वो गौरव भी था ना कुछ ऐसे करके। हाँ, उसने बलून में कुत्ता उड़ा दिया था यार, क्या ही कुत्ता मिला था ना वापस फिर। सोच अगर बहुत सारे पतंग लगा दे स्कूटी पे तो स्कूटी उड़ जाएगी ना। कहाँ से आता है इतना दिमाग? तभी तो मैं सोचूं कि क्यों इतनी आवाज आती है मेरे घर के पास भी। ये यहाँ पे भी एक बाजा लगा हुआ है, सबके घर में एक बाजा लगा हुआ है। पहुंच गए हम अपने घर बिना पतंग उड़ाए। गाड़ी ऑटोमेटिक स्टॉप हो गई, गाड़ी अपने आप बंद हो गई, गाड़ी ने काम, पेट्रोल वेस्ट ना कराएंगे। अभी बाहर ही खड़ा कर दे ना, वही सड़क, वही सड़क खड़ी कर दे, वही वही खड़ी कर रही हूँ। ये पतंग कहीं से तो टूटी फटी है मुझे ऐसा लग रहा है यार, ये पतंग कहीं से टूट गई है मुझे ऐसा लग रहा है। सो यार हम लोग इसको लेके घर आ गए, जब इसको कल ही उड़ाएंगे, और ऐसा लग रहा है ना कि ये कहीं से टूट गई है। सो अभी कल का इंतजार करते हैं पतंग उड़ाने के लिए। पतंग हमें नहीं आती, अब हम बनाएंगे। सोच रही हूँ पतंग का बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत नहीं नहीं, अब हम न्यूज़पेपर से पतंग बनाएंगे, सीखते हैं, फिर गुजरात लेके चलते हैं, वहाँ पे बहुत ज्यादा लोग उड़ाते हैं। गुजरात में ही चल, आज अगली बार से खिचड़ी का टाइम गुजरात चला जाएगा जब कमाने लगेगा। कि तेरे आंखों में धूल जम गई, तेरे पलकों में धूल जम गई है, क्या बात है। मैं बता रही हूँ कहाँ रख देते हैं, इतनी सारी पतंगे हमारी जहाँ पे भी रखें गाइस, बस राइफल से सेफ रहे, इट्स ऑल सेफ। और कल हम लोग का पतंग उड़ाएंगे। नहीं ताकि ढील दूंगा ना तो पास से होता है, पास से होता है। अरे तू क्या कर रही है, तू ऊपर फेंकते हैं ऐसे आके।